नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के जिलों में 26 नए पुलियों का होगा निर्माण। शिक्षा विभाग ने बाढ़ के दौरान स्कूलों को बंद करने का अधिकार जिलों के डीएम को सौंपा। सीएम नीतीश ने सरकारी स्कूल में 4.73 लाख कर्मियों के खाली पदों का मांगा ब्यौरा। जनता ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिहार के पंकज त्रिपाठी को बताया अपना पसंदीदा स्टार। अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबे वाहनों की कतार होने पर भी नहीं मिलेगी टैक्स में छूट। आईपीएल 2025 की तैयारी में जुटे धोनी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 10वीं पास के लिए निकाली भर्ती। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी APSSB की तरफ से कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट APSSB.NIC.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 452 पद भरे जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल, फायर अटेंडेंट, प्रयोगशाला अटेंडेंट आदि शामिल है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 9 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करने वाले उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, 10वीं पास किया हो और ITI उत्तीर्ण हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी अस्थायी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी अस्थायी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लोगों का प्रशिक्षण चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कुछ अन्य जगहों पर होता है, लेकिन अब उद्योग विभाग प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ये प्रशिक्षण अब अस्थायी रूप से दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक को जोड़कर अनुमंडल स्तर पर उद्यमिता संस्थान शुरू किया जाएगा और यहीं पर इस योजना के लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस उद्यम के लिए किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए संबंधित संस्थान द्वारा विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग विभाग के अधीन में ये संस्थान काम करेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बीपी मंडल के बारे में। ये एक भारतीय राजनेता, बिहार के मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के निर्माता व अध्यक्ष रहे हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1918 को बनारस में हुआ था। हालांकि इन्होंने अपना बचपन बिहार के मधेपुरा के मुराहों गांव में बिताया। 13 अप्रैल वर्ष 1982 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। साथ ही इनके सम्मान में वर्ष 2007 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। आज बीपी मंडल की 107वीं जयंती के अवसर पर मधेपुरा में राजकीय समारोह के रूप में इसे आयोजित किया जा रहा है। बिहार के जिलों में 26 नए पुलियों का होगा निर्माण। बिहार के 10 जिलों में पथ निर्माण विभाग ने 26 नए पुलियों को तैयार करने की योजना बनाई है। इन पुलों का निर्माण इसी वर्ष से शुरू होने वाला है और वर्ष 2026-27 तक इन पुलों को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। पुलों के निर्माण में से मुख्य सड़क पर आवागमन की परेशानी नहीं होगी। जिन जिलों में पुलों का निर्माण होना है उसमें पश्चिम चंपारण, नालंदा, अररिया, सीतामढ़ी, सिवान, लखीसराय, जमुई, बांका, गया और गोपालगंज शामिल है। पश्चिम चंपारण में 8 पुलों का निर्माण होगा, नालंदा में 5, अररिया में 4, सीतामढ़ी और सिवान में 2-2 और अन्य जिलों में 1-1 पुलों का निर्माण किया जाना है। कई विश्वविद्यालयों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षा विभाग हुआ गंभीर। राज्य के कई विश्वविद्यालयों के 2638 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है जल्द से जल्द बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बकाया 2023-24 का है। 2023-24 की बकाया राशि 2271 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का है। इस विश्वविद्यालय में करीब 505 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र है। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे डॉक्टर। राज्य के अस्पतालों में मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को अब तत्काल ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक जिले में 4-4 मास्टर ट्रेनर डॉक्टरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिनका चयन करने के लिए जिलों
से नाम भेजने को कहा गया है। इन मास्टर ट्रेनर डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद वे अपने अपने जिलों में अन्य संबंधित डॉक्टरों को इस नई प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। ये कदम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत उठाया गया है। बिहार के इन तीन जिलों में रोड ओवर ब्रिज का होगा निर्माण। नवादा, खगड़िया और दरभंगा में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नवादा में ये ब्रिज वारसलीगंज नवादा रेलवे स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग 33B1 के आरओबी के लिए 174.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। वहीं खगड़िया में परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग 24 के पास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। यहां ब्रिज का निर्माण 101.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। वहीं दरभंगा में लहेरिया सराय दरभंगा रेल खंड के बीच NH56 पर ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। इस रोड ओवर ब्रिज के निर्माण से यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सकेंगे। अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबे वाहनों की कतार होने पर भी नहीं मिलेगी टैक्स में छूट। टोल प्लाजा पर यदि 100 मीटर की लंबी वाहनों की लाइन लगी होती है और टोल टैक्स लेने में 10 सेकेंड से ज़्यादा का समय लगता है तो बूम बैरियर खोल दिए जाते हैं, जिससे सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए भी जा सकती हैं। ये फैसला NHAI ने साल 2021 में लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि अब NHAI ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। इस संबंध में NHAI ने टोल प्लाजा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टोल प्लाजा पर सेवा समय के संबंध में प्रावधान तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकसभा में पिछले साल नितिन गडकरी ने कहा था कि वाहनों की कतार ज्यादा होने पर छूट दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों के निर्माण में आ रही परेशानी को देखते हुए निरीक्षण करने निकलेंगे सीएम नीतीश। सीएम नीतीश सड़कों के निर्माण में आ रही परेशानी को देखते हुए सड़कों के निरीक्षण के लिए निकलेंगे। निरीक्षण के क्रम में वे सबसे पहले NH श्रेणी की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इसी कड़ी में मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश पटना गया डोभी सड़क का निरीक्षण 5 सितम्बर को करने वाले हैं। इस दौरान सीएम नीतीश सड़क के संबंधित स्ट्रेच पर अधिकारियों से बात करेंगे कि सड़क के पूर्ण निर्माण में खासकर बाईपास आदि के निर्माण में तरह की परेशानी सामने आ रही है। इसके 5 से 6 दिन के बाद सीएम नीतीश बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन सड़क का निरीक्षण करने निकलेंगे। इस दौरान निर्माण कंपनी के स्तर से क्या विलंब है, इस बारे में भी अधिकारियों और निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि से जवाब लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बाढ़ के दौरान स्कूलों को बंद करने का अधिकार जिलों के DM को सौंपा। बीते दिन पटना के दानापुर में स्कूल जाने के दौरान नाव पर सवार एक शिक्षक की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने दियारा इलाके में स्थित स्कूलों के शिक्षकों के लिए नाव के साथ साथ लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वहीं शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों के DM को यह अधिकार दे दिया है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वो अपने जिलों में स्कूलों को बंद कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के खाली पदों का मांगा ब्यौरा। सीएम नीतीश ने बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के खाली पद का ब्यौरा मांगा है। सभी जिलों से ये ब्यौरा आउटसोर्सिंग से नियोजित और संविदा नियोजित कर्मियों के पदों का मांगा गया है। इसमें 2.17 लाख के सबसे ज़्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग की है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद रिक्त हैं। वहीं गृह विभाग में 42,414, ग्रामीण विकास विभाग में 11,784, नगर विकास विभाग में 1948, पंचायती राज विभाग में 5,551, कृषि विभाग में 3,015, पशु एवं मत्स्य विभाग में 4,814, पथ निर्माण विभाग में 2,465 और ग्रामीण कार्य विभाग में 3,346 पद रिक्त हैं। जनता ने OTT प्लेटफॉर्म पर बिहार के पंकज त्रिपाठी को बताया अपना पसंदीदा स्टार। कोरोना के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली कई सीरीज ने लोगों के बीच प्रसिद्धि पाई है। कई छोटे से बड़े सितारे से OTT प्लेटफॉर्म पर आए और अपने अंदाज से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। इसमें से पंकज त्रिपाठी भी एक है। अब इसी बीच जनता ने इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अपने फेवरेट OTT स्टार को चुना है। इस सर्वे में जनता ने मेल OTT स्टार्स में सबसे ज़्यादा पंकज त्रिपाठी को अपना पसंदीदा स्टार बताया है। पंकज त्रिपाठी को 19.2% वोट मिले हैं। पंकज त्रिपाठी ने मिर्ज़ापुर से लोगों के बीच प्रसिद्धि बनाई थी। वहीं फीमेल OTT स्टार्स में जनता ने सुष्मिता सेन को सबसे ज़्यादा वोट दिया है। सुष्मिता सेन को इस मामले में 13.2% वोट हासिल हुए हैं।
पीएमसीएच के लिए 4,315 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की होगी नियुक्ति। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल यानी पीएमसीएच को राज्य सरकार की तरफ से 5,462 बेड वाले अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। फिलहाल पीएमसीएच में 1,750 बेड हैं और मरीजों की संख्या बेड के मुकाबले दोगुनी है, जिसे देखते हुए इसे 5,462 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस अस्पताल को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों के मुताबिक संचालित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार 4,315 पदों पर डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मंत्रिमंडल की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक सिन्हा ने महालेखाकार को सूचित किया है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, स्कूलों को बंद करने की मांग। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजकर राज्य के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चल रही गंभीर स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया है कि पिछले एक महीने में बिहार के कई विद्यालय जलमग्न है, लेकिन इसके बावजूद इन स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। इन लापरवाही के चलते हाल ही में दानापुर के शिक्षक की मौत हुई है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग ने जानबूझकर बाढ़ग्रस्त विद्यालयों की छुट्टियों में कटौती की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। इसके साथ ही उन्होंने शहीद शिक्षक अविनाश कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। बिहार जमीन सर्वे में खतियान पर बेटे के साथ बेटियों का भी दर्ज होगा नाम। बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के तहत जिस भी पुश्तैनी जमीन का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, उसमें बेटे के साथ बेटियों को भी बराबर का हक दिया जाएगा। इसके लिए सभी अपने खतियान में बहन और बेटियों का नाम भी दर्ज करवाएंगे। हालांकि बेटी अपनी मर्जी से अपने हिस्से में आए पैतृक संपत्ति को अपने पिता और भाइयों के बीच बांट सकती है। ये फैसला केवल बहन और बेटियों का हक होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। ये बैठक चूनापुर हवाई अड्डा के अंदर ही हुई है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में मंत्री लेसी सिंह, विधायक विजय खेमका और डीएमएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक को लेकर लेसी सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने पूर्णिया से जल्द हवाई सेवा शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और जल्द 15 एकड़ जमीन के मुद्दा को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। बिहार के पूर्वी व दक्षिणी भागों से मेघ गर्जन की संभावना। बिहार में लगातार हुई बारिश से कई जगहों पर गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज बिहार के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों, मध्य भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। वहीं प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। तेज धारा के बीच पलटी नाव, मजदूर और चीफ इंजीनियर डूबने से बचे। बीते दिन बिहार के बगहा के गंडक नदी में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में आधा दर्जन लोगों को लेकर जा रही एक छोटी नाव अचानक नदी में पलट गई। हालांकि हताहत की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस नाव पर 6 मजदूर सवार होकर गंडक दियारा पार कर मजदूरी करने जा रहे थे। इन लोगों ने बीच धारा से तैरकर अपनी जान बचाई। इस मामले को लेकर भितहा सीओ ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर नाविक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य घटना में भागलपुर में तटबंध का निरीक्षण कर रहे चीफ इंजीनियर अनवर जमील भी गंगा में गिर पड़े। इन्हें डूबता देख मौके पर ही एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आ गई और इन्हें बचाया गया। बिहार पुलिस ने यूपी से आ रही कार से बरामद किए 28 लाख रुपए के चांदी के आभूषण। बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। ये चांदी के आभूषण वाहन जांच के दौरान पुलिस को हाथ लगे हैं। इसकी कीमत करीब 28 लाख रुपए तक आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से 2 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का और 1 मथुरा का रहने वाला है। हिरासत में लिए गए लोगों का नाम रमेश यादव, कृष्ण वर्मा और विक्रम सोनी है। ये यूपी से बिहार एक कार में 31.8 किलोग्राम चांदी के आभूषण लेकर जा रहे थे। इस मामले की जानकारी पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी दी है। कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया है कि पूछताछ में ये बात सामने आई कि जब्त आभूषण उत्तर प्रदेश के कानपुर से लाया जा रहा था और इसे सिवान पहुंचना था,
जब्त किए गए चांदी के आभूषण के बारे में इनकम टैक्स विभाग को आगे की जांच पड़ताल के लिए सूचना दे दी गई है। जांच पड़ताल के बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में खेल गांव बनाने के लिए जमीन की तलाशी शुरू। भागलपुर में खेल गांव बनाने के लिए जमीन की तलाशी शुरू। आज खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने जिलाधिकारी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 15 मार्च को मंत्री परिषद ने सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में खेल अवसंरचना के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए भागलपुर या उसके आसपास 15 से 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि के चयन के लिए जिलाधिकारी ने गोराडीह, जगदीशपुर, नाथनगर और सबौर के अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है। इन अंचलाधिकारियों को सरकारी या निजी भूमि की पहचान का रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद तेजस्वी को मिली राहत। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दरअसल लालू यादव और तेजस्वी यादव व अन्य के समन के आदेश को दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में टाल दिया गया है। अब ये मामला अदालत की तरफ से 7 सितंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों को समन भेजने पर अदालत ने इससे पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 अगस्त को ईडी की तरफ से इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी। जदयू के नए बिहार प्रदेश कमेटी और सलाहकार समिति का हुआ गठन। जदयू के बिहार प्रदेश कमेटी और सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस संबंध में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में लिखा है कि पार्टी की बिहार प्रदेश कमेटी और सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। हालांकि इसे कमेटी को क्यों भंग किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पार्टी की तरफ से नई कमेटी की घोषणा भी कर दी गई है। नई कमेटी की घोषणा के साथ ही जदयू के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर आदेश पत्र भी जारी किया गया है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव और 46 सचिव बनाए गए हैं। वहीं एमएलसी ललन कुमार सराफ कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। आईपीएल 2025 की तैयारी में जुटे धोनी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और अब केवल वे आईपीएल खेलते ही नजर आते हैं। अब आगामी आईपीएल मैच को लेकर एमएस धोनी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। धोनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी अपने फिटनेस के लिए बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के बाद धोनी ने अपने घुटने की सर्जरी करवाई थी। आईपीएल 2024 में इनका कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। आखिरी आईपीएल में इन्होंने टीम की कप्तानी से भी विदाई ले ली थी। आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में धोनी अपना दमखम दिखा पाएंगे? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1917 में ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवा दे रहे 7 भारतीयों को पहली बार किंग्स कमीशन मिला था। आज के दिन वर्ष 1957 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था। आज के दिन वर्ष 1994 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1918 में बीपी मंडल का जन्म हुआ था। ये एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक थे। सोशल मीडिया पर कोल्ड ड्रिंक को लेकर वायरल हो रहा है ये मैसेज। सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से इबोला वायरस से लोग संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि इस वायरल हो रहे मैसेज की पीआईबी फैक्ट चेक ने सच्चाई बताई है। पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यूजर्स के लिए कोल्ड ड्रिंक ना पीने की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, इसलिए इस तरह की खबरों पर ध्यान देने से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है जयपुर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में लगातार T20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन ए है दीपक हुड्डा, ऑप्शन बी है अंतिम पघाल, ऑप्शन सी है पीटी उषा, ऑप्शन डी है दीपा कर्मांकर। इसका सही उत्तर है अंतिम पंघाल। निम्न में कौन सी संगीति बिहार में नहीं हुई थी? ऑप्शन ए है पहली,
ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। इसका सही उत्तर है चौथी। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राजकिशोर महतो, गुनर शर्मा, नीतीश कुमार, बिरजू कुमार, सपना कुमारी, सादुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, राहुल प्रसाद, मोहम्मद सैफुल्ला, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, अम्बाला कुमारी, कृष्णा प्रसाद, जीतू कुमार, मोहम्मद असगर कमाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है IPL मैच में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।